आईडी बना बना के तो चलो सकते यस 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 चलिएगा, है ना बेटा। देखो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस थ्री है, तो दूसरा गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। देखिएगा वेरी सिंपल है ना, दूसरा गुणनखंड कैसे होता है आप देखिएगा कैसे निकलता है दूसरा गुणनखंड। हम क्या करेंगे कि ये जो हमें पी एक्स दिया है ना, पी एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, और जी एक्स हमें क्या दिया है, जी एक्स हमें दिया है एक्स प्लस थ्री, है ना, एक्स प्लस थ्री हमें जी एक्स दिया है। अब पी एक्स में जी एक्स का हम लगा देंगे भाग, क्या लगा देंगे पी एक्स में जी एक्स का लगा देंगे भाग। अब भाग लगाना हमने कौन सी क्लास में सीखा है, भाग लगाना हमने सीखा है वेरी गुड पांचवी में सीखा है ना। मगर ये क्या है कि बहुपद वाले सवाल है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाना हमने नौवीं में सीखा है, है ना, ये चीज हमने नौवीं में सीखी थी, है ना। ये देखो ये एक्स धन तीन है ना, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो भैया यहाँ कितना है, एक्स का पावर दो है, यहाँ एक्स का पावर एक है, और एक एक्स कम पड़ रहा है, एक एक्स का गुणा करेंगे, इस एक्स का इस एक्स में गुणा करेंगे, इस एक्स का इस एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का तीन में गुणा करेंगे तीन एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब माइनस के तीन एक्स है, माइनस के तीन एक्स धन का एक एक्स, माइनस के तीन एक्स धन का एक एक्स, तो माइनस के दो एक्स बचे, ऊपर से उतारा छे। अब किसका गुणा करें, तो भैया ऋण दो का गुणा कर दो। देखो ऋण दो का गुणा करने से क्या होगा बेटा, ऋण दो का एक्स में गुणा करेंगे तो ऋण का दो एक्स आएगा, फिर ऋण दो का गुणा छह में तीन में करेंगे, ऋण दो का गुणा तीन में करेंगे तीन दुनी छह आ जाएगा। अब ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का छह माइनस का छह प्लस का टू एक्स माइनस का टू एक्स, भागफल कितना आया, भागफल जीरो आया। तो आपका जो सॉरी शेषफल जीरो आया, शेषफल जीरो आया, और भागफल क्या आया आपका एक्स माइनस टू। यही अभिष्ट गुणनखंड है, यही अभिष्ट गुणनखंड है, ऐसा लिख दो, यही अभिष्ट गुणनखंड है, यही हमारा उत्तर है, यही हमें निकालना था, यही अभिष्ट गुणनखंड है। बहुत प्यारा सवाल था, और ये सवाल हमारी कक्षा नौवीं के ऊपर डिपेंड था, अगर हमने नौवीं में ये सवाल अच्छी तरह से सीखे हैं तो दसवीं में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, तो ये सवाल भी मैंने आपको बताया है ना। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है बेटा हमारा कि यदि हमारे पास बहुपद है पी एक्स, पी एक्स बराबर हमारे पास क्या बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है के शून्य अल्फा बीटा हो, के शून्य अल्फा एंड बीटा हो तो है ना, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो, अल्फा एंड बीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। अब अल्फा और बीटा का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या है शून्य के बेटा, है ना, ये पहला शून्य के दूसरा शून्य, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए, सी कितना है तो सी और ए की जगह ए उत्तर आ गया। अब ये संख्या होती, मान लो यहाँ पे संख्या होती, अच्छा ये तो वो आती, तो तीन होता तो तीन लिखते, चार होता तो चार लिखते, सरल है ना, बस सूत्र ही हमें याद होना था, यहाँ पे सूत्र पूछा इसने, है ना। चलो ये भी अच्छा प्रश्न था, है ना। तो अब अगला है आपका, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बताओ, एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक, वेरी गुड वेरी गुड, रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब अगला प्रश्न जो कि मैं नहीं करूंगा, आपको ही करना होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर,
का एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड x धन दो है, तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो, ये आपको करना है। दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो, करो तो बेटा, दूसरा गुणनखंड कैसे निकालेंगे करो, है ना? ओ, तुम वो लिखो ना बेटा। सर मैंने मोबाइल ले जा लिखने के लिए भी बोली तू क्या नहीं? एक और है ना जीजी अपने पास, किधर है वो? सर मैंने दे दिया मेरा, ये क्या थी? अच्छा तेरे इसमें से तो दूसरा पार्ट चालू कर दो, तुम दोनों वो बाद में लिख लेगी, दिमाग नहीं है इतना सर। इसको दे दे, ले ना कल, चल उसको चला ले, दे देख वो वीडियो, नाच डांस देख रही है, कल देख रही है, देखने दे, देखने दे, डांस करा तैयारी करी तो देखेगी ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भाग देना। हाँ तो देखो भैया, यहाँ पर हमें दिया गया है गिवन, है ना, गिवन प्रोडक्ट कौन कौन से बेटा हमारे पास, px = x² + 4x + 4, ये हमारे पास गिवन प्रोडक्ट है। और एक और है gx बराबर कितना है x + 2, px = ये और gx बराबर ये। अब px में gx का हम भाग लगाएंगे, देखो बेटा ये मैंने भाग लगा दिया, ये लिख दिया इसके नीचे, इसको लिख दिया ना, ये इसके नीचे इसको लिख दिया। अब भाग लगा के देख लेते हैं, देखिएगा वहां, है ना, px में gx का भाग कैसे लगता है देखिएगा। x² + 4x + 2, है ना। अब देखो भैया, अब बहुत अच्छा प्रश्न है, है ना, यहाँ पे हमें लाना है x की घात कितनी लाना है, 2 लाना है, और यहाँ x की घात कितनी, 1, है ना, तो x का इसमें गुणा करें, x का x में देखो, ये इस तक ऐसे करके देख लो आप, ये है ना, इसमें इसका गुणा करेंगे x का, x का x में करेंगे क्या हो जाएगा, x का दो में करेंगे 2x, हो गया ना, ठीक है ना, अंदर करेंगे ना, x में x का करेंगे x स्क्वायर, फिर दो में भी करेंगे तो 2x, ये हो गया आपका 2x, ये माइनस ये कर दिया, 4x में से घटा दो 2x, 4x में से घटा दो 2x, कितने बचे, 2x ऊपर से उतारा 4। अब क्या करेंगे भैया, x के आगे कितना लाना है, यहाँ देखो x के आगे कितना है, तो यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेंगे कि नहीं, यहाँ पर x के आगे 2 है तो यहाँ पर भी x के आगे 2 लाना है, तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर दो बेटा इसमें, ये जो आपका बहुपद है ना, इस बहुपद में 2 का गुणा करो, करो तो 2x, फिर 2 का 2 में करो बेटा, 2×2=4, ये कट गया, ये कट गया, ये 0, है ना, तो भागफल कितना आया, भागफल हमारा आया x + 2, यही अभीष्ट गुणनखंड है, यही अभीष्ट गुणनखंड है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल दे रहा हूं मैं आपको, अगला सवाल आपको करना है, यदि x² + 5x - 6 का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड x + 6 हो, तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो, चलो बेटा दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो, बहुत अच्छा प्रश्न दिया मैंने आपको, ये आपका px हो जाएगा,
ये आपका जी एक्स हो जाएगा। पी एक्स में जी एक्स का भाग देंगे तो जो भागफल होगा वही आपका दूसरा अभिष्ट गुणनखंड होगा, ठीक है ना। चलिए करिए, अपने क्या चल रहा भैया, गिनती लिख लिया, लिख बेटा गिनती लिखा, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ा था, पढ़ेगा ना तो देख तेरी नौकरी लग जाएगी, फिर बड़ा साफ बन जाएगा, तो क्या नहीं, क्या लिख रही है, कुछ तो भी तो शुरू हो गया, 21 का पारा किसको बोला था भाई तेरा, अरे ये थोड़ी लिखना भैया, तेरे काम की चीज लिखना है भैया, ये पारे नहीं, ये पारे नहीं बेटा, 21 का पारा तुम्हें मतलब याद, मेरे को तो याद नहीं, मगर तू मत कर, तू मेरे दस्तक तो कर ले डायरेक्ट, 21 कैसे कर ले। हाँ भैयू, एक्स माइनस सिक्स, नहीं यार बेटा गलत है यार, भैयू गलत आया, अपना उत्तर गलत है, आपने कर लिया, भाग भी मन नहीं आ रहा आधे तो अभी आने लग जाएगा, कुछ भी लिखती है इसकी आदत देखा मैंने, कुछ भी लिखती है इसकी मर्जी होती है ना, जो करती है देखो भैयू कितना सरल था भैयू, देखो सर इसका आंसर x प्लस 6 ही है, नहीं बता रहा हूँ, इसमें किसका भाग लगाना है, x प्लस 6 का, यही लगाना, इसके लगाना, यस देखो बेटा इसको भाग लगाना बहुत सरल है, क्या पूछा, ये देख x की पावर कितनी है, दो, और यहाँ पे पावर कितनी एक, एक x कम पड़ रहा है ना, बस बस ये देखो, ये छोटे से दिमाग से करना, बड़ा दिमाग नहीं लगाना अपने को, अभी एक x कम पड़ रहा है, इसका गुणा कर लो, एक एक x का बाहर गुणा कर लो, x में x का गुणा करेंगे x की घात दो, x का 6 में करेंगे तो 6x, गुणा किसका करा, x का, फिर देखो इधर ये ऋण का हो गया, ये ऋण का हो गया, ये मर गया, अभी ऋण का कितना, ऋण का 6x, धन का 5x, ऋण का 6x, धन का 5x, ऋण का ज्यादा धन का कम, तो ऋण का बचेगा, एक एक्स बचेगा ऋण का, और ऊपर से उतारा ये, अब भैया एक्स के आगे क्या चाहिए आपको, एक्स के आगे क्या चाहिए आलोक बेटा, एक्स के आगे क्या चाहिए, ऋण का एक चाहिए, एक्स के आगे ऋण का एक चाहिए, तो ऋण एक का गुणा कर दो, ऋण एक का, तो ऋण का एक एक्स, ऋण एक का इसमें करेंगे तो एक छंग छे, हाँ एक छंग छे, बिल्कुल, या छे एकम छे, चलो ये देखो अब आप, ये देखो ऋण का था ना, ये प्लस हो गया, ये ऋण का था ना प्लस हो गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या आ गया, हमारा भी है जैसे अपन ने एक माइनस बनाया, तो तुम मर्जी होती जो करते हो, बोलने में भी ना फटाफट कुछ भी बोल देगी, चलो तो वो सरल था है ना, चलो आलोक आ गया समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यदि यदि अल्फा धन बीटा, यदि अल्फा धन बीटा मूलों का योगफल बराबर 4 व अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 हो तो बहुपद ज्ञात करो, सिंपल बहुपद ज्ञात करो, करो तो बेटा बहुपद, बहुपद निकालना है हमें,
हमें दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा अल्फा इंटू बीटा, फिर एक्स स्क्वायर अल्फा धन बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? अब हम क्या करेंगे, इस चार को हटाने के लिए, इस चार को हटाने के लिए इस पूरे में चार का गुणा कर देंगे। चार का गुणा करेंगे फिर इसमें, हाँ चार का गुणा करो, चार का इसमें भी गुणा करो। तो देखो ये चार से चार खत्म, चार से चार खत्म हो गया, चार का गुणा करा हमने, है ना। ये क्या हो गया बेटा, चार एक्स स्क्वायर माइनस सोलह एक्स धन का एक, ठीक है ना। अब कर लेंगे, अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देते हैं हम आपको। लिखो बेटा दूसरा सवाल लिखेंगे हम इसी टाइप का। अगला सवाल लिखिए अब आप, अगला सवाल दिया है बहुत सरल सवाल है, ये दे रखा है पी एक्स बराबर दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन को एक्स धन दो से भाग दीजिए। ये 2019 में पूछा गया बेटा, ये 2019 का प्रश्न है आपका, है ना। इसमें आपको x प्लस टू का भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, है ना। ऐसा इतनी सरल है बेटा, देखो तो दो भी ले लो ना, पहले तुम एक्स का गुणा कर दो, अब दो एक्स का कर लो। देखो बहुत सरल है, दो एक्स का करेंगे इसमें। देखो स्टेप समझो, अगर स्टेप समझ में आ गई ना, किसका गुणा कर रहे हैं हम, दो एक्स, जिसका गुणा करते उसको यहाँ लिख देते हैं। तो देखो गुणा करो बेटा, टू एक्स स्क्वायर दो का दो में करो चार एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स, समझ गए ना, बस जो आता वो लिख दिया। ये माइनस ये माइनस, ये कट गया ये कट गया, ऋण का ज्यादा धन का कम, तो ऋण का बचे, ठीक है ना। अब ऋण का आगे कितना है, ये ऋण का एक है, अब ऋण एक का गुणा कर लो बेटा इसमें, देखो इसमें ऋण एक का, ऋण एक का करेंगे तो ऋण एक का इसमें करेंगे तो ऋण का एक एक्स, फिर ऋण का दो, फिर ऋण का धन हो गया, ऋण का धन हो गया, ये कट गया और ये दोनों धन के हो गया। अब देखो बेटा धन के दो धन का एक, धन के दो धन का एक, तो धन के तो ये भागफल है और ये शेषफल है, ठीक है ना। तो अब यहां लिखेंगे हम, सरल के कठिन, चलो ये तो
2019 का सवाल है देखो, 2019 मध्य प्रदेश में पूछा गया शेषफल ये और भागफल ये ऊपर लिख दिया इसने। अगला सवाल भी हम 2019 का ही करेंगे, है ना, 2019 का ही सवाल है बेटा, और दो बार आया देखो, मुख्य परीक्षा में भी आया और पूरक हुई ना सप्लीमेंट्री उसमें भी पूछ लिया। बोलो आप, दो बार पूछ लिया मतलब 2019 में दो बार आया, मुख्य एग्जाम में भी आया, सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी पूछ लिया कि लो भाई सप्लीमेंट्री में भी दे दिया उन्होंने कि कभी बच्चे पहले नहीं करा तो अब कर लेंगे, है ना। क्या है पी एक्स बराबर दिया बेटा हमें एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन के शून्य ज्ञात करो। क्या करना है इसके, इसके शून्य ज्ञात करना बेटा हमें, ज्ञात करो शून्य ज्ञात करो तथा और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध जांच करो, शून्य को वे गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करो बेटा, नहीं आएगा हम बताएंगे ना। कर लोगे बेटा आलोक, कर लोगे ये सवाल? यस सर। बताऊं मैं? बहुत सरल है देखो, वेरी सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और बहुत सिंपल सवाल है, और आप में से कौन कौन कर लेगा? ओनली वन टू, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब देखो, है ना, आपको भी सीखने का एक बार और मौका मिल गया, है ना। देखो भैया, देखो बेटा पूजा, इसका हमें शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पी एक्स को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर क्या पुट करेंगे बेटा, जीरो, है ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन बराबर जीरो, सर एक्स बराबर माइनस दो, एक्स बराबर माइनस फाइव, है ना बेटा। अब देखो गुणा करे तो दस आ जाए, है ना। देखो यहाँ पे एक है बेटा, तो एक का गुणा दस में करेंगे तो दस एकम दस, दस एकम दस, दस एकम दस, गुणा करे तो दस, गुणा करे तो दस, और ये जोड़, ये क्या का निशान है, जोड़ का, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, सात। तो बता ऐसी दो संख्या बता, पांच और वेरी गुड, दो पंजे दस, पांच दुनी और पांच और दो सात, वेरी गुड। कर लिया, सुपर 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 बच्ची, सुपर गर्ल, सुपर गर्ल है ये, है ना। पांच एक्स और 2x प्लस 10 बराबर 0, देखो भाई, है ना, कॉमन लेंगे, है ना, क्या आएगा कॉमन बताओ, x, x कॉमन आ जाएगा, x की दो घात है ना, एक बार आ गया, एक रह गया, ये वाला x बार आ जाएगा तो 5 रह गया, यहाँ से दो बार ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, x, दो का पारा बोलो 10 आ जाए, 2 पंजे 10। अब हम क्या देखते हैं कि ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम, तो इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे और ये मैंने कॉमन ले लिया, और अगले में ये बचा ना, x बचा, 2 बचा, x धन का 2 बराबर 0, x धन 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अभी तुम्हारा सवाल अधूरा है। हाँ सर, वो सत्यता की जांच उतार लिया था क्या, चलो अच्छी बात है ना। x धन 5, x धन 5 बराबर 0 करो बेटा, फ्री हो जाएगा,
एक्स बराबर ऋण का पांच और ये हो जाएगा एक्स धन दो बराबर जीरो, एक्स बराबर हो जाएगा ऋण का। अब वो कहता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, तो अभी कर लेते हैं। तो भैया शून्य कौन कौन से हमारे पास, ये इसको अल्फा मानो, अल्फा बराबर माइनस फाइव, इसको बीटा मानो बेटा, बीटा बराबर माइनस कर दो, ठीक है ना। तो शून्य अल्फा और बीटा, तो शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे होती है, बहुत सरल है। अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर बता, बी बटे, बिल्कुल सही, वही बी बटे टी, नहीं नहीं सर सर बी बटे ए, पड़ोसी भैया नहीं बताएंगे, हेल्प करो ना इसकी, इतना तो इसने दिमाग। हाँ भाई बोल भाई, वेरी गुड, माइनस बी बटे ए, सामने पहले बोला था ना बी बटे ए, इसी बोल दिया तूने, चलो है ना। अब भैया देखो अल्फा की जगह किसको बिठाएंगे, अल्फा की जगह माइनस पांच बैठेगा, बीटा की जगह माइनस दो बैठेगा, फिर बी की जगह कौन बैठेगा भैया, बी की जगह देखो जो बहुपद था हमारा, बहुपद क्या था एक बार बहुपद लिख लो, बहुपद क्या था हमारा पी एक्स, देखो मैंने आपकी कॉपी में तो लिखा होगा, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक है तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बराबर एक है, बी बराबर सात है और सी दस है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए यानी एक, एक्स का गुणांक बी यानी सात और सी अचर पद है, बोलो बेटा, बी बोलो बेटा सात और ए बोलो बेटा एक, तो लिखते ही नहीं है ये, माइनस पांच माइनस दो माइनस सेवन, तो लिखो संबंध सत्य पाया गया, संबंध सत्य है, संबंध कैसा है बोले सत्य है, सही है, बराबर में बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, माइनस का सात माइनस सात बराबर होता है ना। चलो अब ये तो योगफल की बात हुई, अब गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा कितना माइनस का पांच, बीटा कितना माइनस का दो, सी कितना दस और ए कितना लिखते ही नहीं है तो देता ही है। तो देखो बेटा माइनस माइनस का प्लस होता है, पांच दुनी दस बराबर दस, यहाँ पे भी लिख दो बेटा संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। सर जी आदरणीय सर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर। अच्छा अच्छा है ना, फिर बात हो जाए, जब मेरे को बताना है, मेरे को सर से बात करना है, जन्मदिन की शुभकामना देना है सर को, और वैसे मैंने ग्रुप में तो सेंड कर दिया है, ग्रुप में तो मैंने कर दिया था सर को कांग्रेचुलेशन। चलो चलो, तो ये समझ में आया बेटा, कठिन सवाल था क्या, तो फिर अधूरा क्यों करा, पूरा करना चाहिए तुमने, अपने को त्रैमासिक परीक्षा में सबसे टॉप आना चाहिए क्लास में, कम से कम आरजू को तो आना चाहिए, तो हिमांशु भी अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है, और चाइना आ जाए तो भी क्या दिक्कत है, और पूजा आ जाए तो फिर तो सोने पे तो नहीं, पैसे दिए 600 रुपए इसने दिए ना बेटा, मैडम को जमा नहीं कराया अग्रवाल मैडम को, भूल गई मैडम नहीं लिए, बड़ी अच्छा भूल गए, तो तू तो जाया कर रोज स्कूल, किसी ने भी नहीं, लड़कियों हम तो लेते थे हमारे स्कूल में, जब बच्चों को बिठाने का जो बिना नाम वाला बैठता ना, लड़कियों टेबल कुर्सी तोड़ो, हफ्ते में ना सर, हफ्ते में तीन दिन भी, चलो 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 भैया नया सवाल नए तरीके से करेंगे, नया सवाल नए तरीके से करेंगे भाई, अरे दिखा ना,
आपका अगला सवाल कठिन सवाल है भैया, बहुत बहुत कठिन कठिन जो रखे हैं। नहीं नहीं कठिन करेंगे। तो तुम सब भूलते जा रहे हो, तुम भूल रहे पुरानी कॉपियां कर रहे हैं ना, इसलिए भूल रहे हैं। क्या पुरानी कॉपियां कर रहे हैं? सब एक मिनट का बदल लेता हूं उसको रखने। तो सर आगे अभी और से क्वेश्चन 2 मिनट में, ये सुनने की आप तुम्हें कर देंगे। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। शून्य भी ज्ञात कीजिए, संबंध भी ज्ञात, शून्य ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करो तथा गुणांकों व शून्यकों के बीच, शून्यकों के योग व गुणांक गुणन तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो। संबंध जांच करो, ये सवाल है आपका, है ना? तो कर लो के बेटा है आलोक बेटा, ये सवाल तो कर लोगे ना, है ना? ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। तो ओ, ये करके ने मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, है ना? क्लास को अपन आज यही खत्म करते हैं ना, क्योंकि आज अपन थोड़ा लेट हो गए थे, तो अब कल से अपन टाइम पे, वो झंडा उतारने गया था बेटा मैं। सर जी हैं क्या?